a person who is um, President, Awardee, former Director, AICT, an innovator, a teacher, a mentor to come on the stage and ignite the gathering. Dr. Manpreet Singh, Manaji. Thank you very much, Dr. Indrapreet. I know ये टाइम सबसे खतरनाक होता है खाना खा चुके हैं नींद आ रही है चाय ब्रेक है नहीं है और ध्यान है कि अवार्ड दो जाना है धुंध भी पड़ जाती है इसलिए तालियां बजी ही नहीं पांच मिनट और लेट बुलाते तो बिल्कुल ही नहीं बजनी थी थैंक यू डियर फ्रेंड्स नाउ इट्स अ कंक्लूडिंग टाइम और आई एम अ फिलर क्योंकि इनको अभी कुर्सियां मेज हटाने होंगे क्योंकि यहां पर अवार्ड सेरामनी होनी है तो मैंने कहा चलिए तब तक पांच मिनट बात कर लेते हैं सो बाय द टाइम द ऑर्गेनाइजर्स आर गोइंग टू बी सेटल्ड ऑन द डेस्क टू मेक द अवार्ड to टू बी कम ओवर हेयर क्योंकि ये फोटोग्राफ आपके स्कूल में लगने वाली है दस साल तक रहने वाली है पंद्रह साल तक जब आप प्रिंसिपल चेंज हो गए तो फिर बैग में सबसे पहले ये फोटो जानी है, भैया बायोडाटा में बोला था अवार्ड मिला था तभी तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्टर बन गया हूँ जो डायरेक्टर बन गई हूँ ये अवार्ड्स ही मैटर करते हैं ये रिकोग्शन मैटर करती है ये रैंक्स मैटर करते हैं या क्रेडिटेशन मैटर करती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हटके बात करना चाहूँगा आई थिंक आर यू कंफर्टेबल विद माई हिंदी इफ यू आई कैन कंटिन्यू विद हिंदी थैंक यू वेरी मच क्योंकि सपने रात को हिंदी में आते तो दिन में भी हिंदी में बात करनी चाहिए मुद्दे की बात यह है आज सुबह से आपने यहां पर इतने ग्रेट ग्रेट प्रिंसिपल्स को सुना पैनल डिस्कशन हुए एक दो तीन और शायद चार भी हो गए आपने एक चीज नोट की सभी प्रिंसिपल यहां पर उन्होंने एक ना एक ऐसा फीचर जरूर बताया जो उनके स्कूल में बहुत अच्छे से हो रहा है सक्सेस स्टोरी जा वो होगी ट्रांसफॉर्मेशन होगी करिकुलम होगा स्टाइल ऑफ पैटर्न होगा बताया कि नहीं बताया बिल्कुल बताया यहां पे बताया अच्छे से बताया और आपने सुना भी मुझे याद है मैं बीटेक कर रहा था सेवंथ सेमेस्टर में मेरे प्रोफेसर थे मेरे सभी टीचर के लिए बहुत सम्मान है आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स लाइक एनी थिंग दैट्स वाई माइव टीचर टूडे हियर बिकॉज ऑफ दैम He used to come in the class with the wrapping, the newspaper on the book, because he never wanted us to know from which book he is teaching. Or it was a very difficult subject because of he wrapped the book, and he said it is a power system stability, Stevenson. I bought a Stevenson's book in dollars at that time. Dollar was just twenty-three rupees equivalent to Indian currency. We circulated in the hostel, and we. The moment when I appeared for the examination, then I realized from the question paper that oh, it is a Clarianti publisher's book which he was carrying in his hand. वेरी बिग आप मुझे प्रणाम करें पहले मुझे करें तो मैं हल्की सी अच्छी सी इंडियन ऑथर की किताब से पढ़ाता हूँ लेकिन आपको फॉरन ऑथर की किताब बताऊंगा और आप उससे पढ़ेंगे ठीक है उनकी सोच उस टाइम पर बड़ी होगी कि हमें ज्यादा अच्छा पढ़ाना चाहते थे और यही होता है कि जब एक टीचर प्रिंसिपल कमरे में मैडम बस ये चीज यही करनी है बता नहीं किसी को अच्छा तरीका बस हम करेंगे ये अगर आप यहां तक आकर वो फीचर को बता पा रहे हैं सच में दिल पे हाथ रख के बताएं सारे प्रिंसिपल की आपने इसका कॉपीराइट लिया ले लीजिए जरूरी है बहुत जरूरी है एक इंस्टीट्यूशन है कोलकाता में आफ्टर द कोविड सीला सिंह केम टू मी डॉक्टर मन्ना कैन यू हेल्प यस आई कैन हेल्प आई एम फ्रॉम द आईपीआर बताइए क्या करना है मैंने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का कॉपीराइट लेना मैंने कहा तो सारे कहते सर कॉपीराइट तो किसी ने, ने ले लिया वो मैंने लेना है that institution become a first institution in my country they say proudly we have copyrighted the work from home policy for the teachers in a day how much time they have to spend on a screen with the learners how to use a google classroom how to go on a zoom what should be the ethics what wearing they should not wear like as a casual they should wear like as the decent teacher or faculty and the students should sit in a very decent room नो बैकड्रॉप नथिंग ये नहीं पता चला कि पीछे पापा बनियान में बैठे हुए हैं और बच्चा आगे क्लास लगा रहा है जब मम्मी पीछे बेचारी पोछे लगा रही है बच्चा क्लास लगा रहा है हो गया था ना ये सब कुछ बहुत कुछ हो गया था सारी बातें यहाँ मन से नहीं डिस्कस की जा सकती हैं सब पढ़े लिखे टीचर बैठे हैं मुद्दा यही है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं अच्छा स्कूल में आगे बताऊं सुनिए आप किसी स्कूल में जाइए आप दंग रह जाएंगे अरे मैडम आपने ये फर्नीचर कहाँ से लिया ये तो सबसे कंफर्टेबल चेयर है मैं नर्सरी क्लास के लिए तो यही चेयर ऑर्डर करने वाली हूँ गोदरेज की किसने गोदरेज की चेयर का ऑर्डर किया किसने टाटा की चेयर को ऑर्डर किया किसने किस चेयर का ऑर्डर किया अनफॉर्चुनेट सभी चेयर के डिजाइन आपके स्कूल से पेटेंट नहीं हुए हैं बाहर वाले ने पेटेंट किया आपने कि आपने सिर्फ चेयर को खरीदा कभी नोट किया कि हम बच्चे के कंफर्ट को देखते हुए बच्चे के हाथ से ड्राइंग बना के और 40 दिन में वो डिजाइन पेटेंट हो जाता है और आप प्राउडली कहेंगे कि मेरे स्कूल के तीन पेटेंट्स हैं हमारे खुद के डिजाइन पेटेंट्स हैं हमारे टीचर ने एक ऐसा आविष्कार किया है कि ब्लैक बोर्ड का ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है स्मार्ट स्क्रीन कहीं और बनती है और हमारे स्कूल में टंगती है लेकिन स्कूल से तो उसका इनोवेशन नहीं हुआ और फिर बात कर रहे हैं हमारे देश में स्टार्टअप्स की आत्मनिर्भर भारत की स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया कहां से होगा स्कूल एजुकेशन से होगा एक चीज और बता दूं मैं जितनी इनोवेशन नौ साल चौदह साल और अठारह साल में होती है ना उसके बाद तो कॉपी एंड पेस्ट ही होता है एंड कट एंड पेस्ट्री होता है जिसको आप पीएचडी के नाम से भी जानते होंगे वो इनोवेशन नहीं होती है वो प्रोफेसर बनने की एक दौड़ होती है प्रोफेसर बनना है तो मुझे पीएचडी करनी है तीन पेपर निकालने दो पेपर अब तो वो पेपर भी यूजीसी ने हटा दिए दिए डिजायरेबल कर नॉट मैंडेटरी नाउ सो डियर टीचर्स डियर प्रिंसिपल्स डियर फ्रेंड्स डियर कोलिग्स आपको पता है हमारे बीच में यहां कौन बैठे हुए हैं आज मैं सल्यूट करता हूं मुंजाल सर को मैं मुंजाल सर को दिल्ली दिल सल्यूट करता रहता हूँ रोज ंजाल सर एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी लेके आ रहे हैं और देश को सबसे अच्छा बढ़िया साधन यातायात का देते आए हैं और ये होती है इनोवेशन और उस इनोवेशन का एप्लीकेशन समाज को मिल सके समाज के काम आ सके उस इनोवेशन की कोई जरूरत नहीं आपने एक थीसिस लिखे शोध गंगा पे डाल दिए पीएचडी की डिग्री ले ली बन गए वीसी बन के रिटायर हो गए लेकिन वो पीएचडी एच थीसीज आपने ना खुद अलमारी से कभी निकाल के पढ़े दोबारा कि मैंने क्या लिखा था ना ही किसी को पढ़ने के लिए दिया ना ही कभी उसकी कोई एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की आईपीआर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीआर कहां से शुरू होता है आपके बीच में सुबह से जी जहां बात कर रही है ना डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर डू यू नो शी इज़ अ पेटेंट लेडी ऑफ इंडिया 65 फाइव पेटेंट्स हर ओन नेम यू कैन गूगल आउट नेम डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर अब देखना पड़ेगा अरे कौन सी मैम है सुबह से यहीं आ रही थी तब नहीं देखा क्योंकि आपको लगा ये तो एंकर होंगी स्टेट सेक्रेटरी होंगी हायर की गई होंगी बाय पैशन आती हैं वो यहां पे बाय पैशन आती हैं वो दस इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने आईपीआर की पॉलिसी दी वहां की फैकल्टी के मोटिवेट करके इग्नाइट करके पेटेंट्स करवाए ठीक है डिमांड भी है मार्केट में नैक की एनबीए की आपकी एनबीएटी की जब आपको अप्लाई करके रैंक लेना है लेकिन एक सच्ची बात बता दूं मैं जब एक टीचर तीन बच्चों के साथ बैठेगा भले वो पांचवी कक्षा के होंगे और वो बच्चा कुछ आइडिया देगा ना मैम ये कर सकते हैं यहाँ से लाइट बहुत अच्छी आती है या ये पेंसिल का डिजाइन ऐसे हो सकता है या कॉपी का पेज ऐसे हो सकता है हर वो एक चीज उस बच्चे का आई बनेगा और हमारे देश का तो पहली पहचान है कि पांच साल का बच्चा यंगेस्ट स्टार्टअप बना जिसको मोदी जी ने खुद चेक दिया था आप शायद भूल गए होंगे मैं उस शशांक को नहीं भूल सकता हूँ द youngest स्टार्टअप ऑफ my कंट्री when दिस startup journey जर्नी स्टार्टेड बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ country, कंट्री जी हाँ ये सत्य है और हमें अपने जीवन में दो कार्य ज़रूर कर लेने हैं दूसरा कार्य के ऊपर आता हूँ मुझे मैम ने रास्ते में रोका कि सर कुछ थोड़ा सा आपके बारे में सुना कि आप स्वयं के फाउंडर हैं मैंने कहा जी हाँ बेटा मेरा एक है जो मुझे मिला है और मैंने ए में बोल रखा था कि स्वयं मेरी बेटी है जिसको बनाया गया और नौ महीने भी बनी और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद्या अपनी विज्ञान भवन से प्रकाशित किया ठीक है प्रेसिडेंट अवार्ड मिला अच्छा लगा देश के काम आ रहा है देश के तीन करोड़ बच्चे आल स्वयं पर जाकर फोर्टी परसेंट क्रेडिट्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से अपनी डिग्री में एम टेक में बी टेक में बी बी में बी कॉम में एन सी आर टी भी है एन आई यू एस भी है इग्नो भी है उसके ऊपर लेकिन टीचर्स नहीं हैं आई नीड यू आई नीड माई कंट्रीज़ टीचर प्लीज कम एंड टीच इन बंगला गुजराती मराठी पंजाबी उड़िया राजस्थानी मेरे देश का बच्चा कहता है कि मैं आपकी अंग्रेजी से डर के नहीं आगे आ पाया नहीं तो मैं भी बहुत बड़ा इंजीनियर हूं मैं बहुत बड़ा साइंसिस्ट हूँ मुझे बताइए कहाँ कभी किसी ने पूछा था आर्य भट्टा जी से कि आरे भट्टा जी आप कौन से पब्लिक स्कूल से पढ़ के आए कौन के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं तो आप आर्य भट्टा जी बन गए या किसी ने पूछा था हमारे अब्दुल कलाम जी को कि आपकी एजुकेशन कहीं बड़े कॉन्वेंट स्कूल से हुई है कि नहीं हुई है क्ट यही है कई बार हम भाषा को बहुत बड़ी चीज बना देते हैं भाषा तो माध्यम है अगर आपको मेरी हिंदी अच्छे से समझ में आ रही है तो मुझे आपसे आयल्स का को कोई आठ नो बैंड लेना नहीं है मुझे पीआर नहीं लेना कैनेडा का तो मैं क्यों अंग्रेजी में बात करूं अच्छी खासी हिंदी में बोल सकता हूं और आपको समझ में आ सकती है अब यह भी उम्र नहीं है कि मुझे कोई शादी करानी और किसी को प्लीज करना है अंग्रेजी में बोल के तो उन कामों के लिए अंग्रेजी है तो बहुत अच्छी है वहां पर रखो अंग्रेजी को लेकिन जहां पर संवाद करना है जहां पर भावनाओं की बात करनी है जहां पर शिक्षा की बात करनी है उस भाषा में बात करो जिस भाषा में बच्चों को समझ आती है फिर आप छोटे से बच्चे घर में क्यों कहते हैं ओ नो, नो 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 नोट ये क्या ये कौन सी भाषा होगी भाई ना ये अंग्रेजी ना हिंदी ना पंजाबी नो इसको समझ ही यही आती है ये मेरा नोना बेबी है ये मेरा शोनू है ये मेरा राजा है तो ये तो मेरी किसी डिक्शनरी में नहीं आती भाषा तो जब बचपन से ये भाषा मुझे बताई गई कि समय के साथ मुझे भाषा का उपयोग और सदुपयोग करना है तो फिर मैं स्कूल में जाके ये ऐसा क्यों कर देता हूं कि मैम फाइन लगेगा आपने इंग्लिश में बात नहीं की इसको बदलिए इसको बदलना पड़ेगा वो छोड़ के गए उनको पचहत्तर साल हो गए लेकिन हमने उनको अभी तक नहीं छोड़ा ना दिल से ना दिमाग से पकड़ के बैठे हैं अभी भी उनको जैसे लगता कि वो नहीं है तो हम कुछ नहीं है आपके बगल में एक चाइना एक रिसर्च पेपर दिखा दीजिए चाइना का कभी इंग्लिश में छपता और हाईएस्ट इंडेक्स लेके बैठे इंडेक्स इन द वर्ल्ड और मेरा दिखा दीजिए जितने मेरे वैज्ञानिक हैं कितने हिंदी में शोध पत्र छप के आ रहे हैं क्या हिंदी पढ़ाने से या पढ़ने से बच्चा कमजोर हो जाएगा आई एम सॉरी मैं नहीं हुआ मैं पंजाबी मीडियम में पढ़ाऊं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊं डायरेक्टर भी रहा हूं अभी प्रो वाइस चांसलर भी हूं एक अच्छी यूनिवर्सिटी का मेरे को तो नहीं क्योंकि मुझे लगा मेरा विटामिन डी का हो गया या विटामिन ई कम हो गया मुझे कभी शर्म नहीं आती पंजाबी और हिंदी में बात करते हुए भैया तुझे लेना ले ले मेरी दुकान पर तो यही सौदा बिकता है बड़ी सीधी सी बात है सो प्लीज मेक दिस एज ए जनरल प्रैक्टिस आप बच्चे को सब पढ़ाइए जो उसको चाहिए लेकिन अगर उसको संस्कार देने हैं उसको अपने ग्रंथों के बारे में बताना है तो उसको पहले उस भाषा में लेके आइए उसको अपने देश की संस्कृति के बारे में बताइए वो आ जाएगी इंजीनियरिंग तो वो कहीं से भी कर लेगा डॉक्टर तो वो कहीं भी बन जाएगा अगर वो नहीं आएगी तो टेररिस्ट तो मेरे देश में पैदा होने शुरू हो गए हैं रोक लीजिए उनको यही मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू